चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। तो वहीं यूक्रेन के विनित्सिया में रूसी सेना का हमला हुआ है। रूसी सेना ने एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया है। मिसाइल हमले में एयरपोर्ट तबाह हुआ है। रूस ने एयरपोर्ट पर 8 मिसाइल दागी है। चर्निहिव में रूस की भारी बमबारी जारी है। चर्निहिव में 500 किलो का बम गिराया गया है। आज रात की रूस के टारगेट पर यूक्रेन का ओडिशा, यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडिशा पर बड़े हवाई हमलों की तैयारी है। जेलेंस्की ने कहा है कि आज ओडिशा पर बमबारी करेगा रूस। यूक्रेन के विनित्सिया में रूसी सेना का हमला हुआ है। रूसी सेना ने एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया है। मिसाइल हमले में एयरपोर्ट तबाह हो गया है। रूस ने एयरपोर्ट पर 8 मिसाइल दागी है। चर्निहिव में रूस की भारी बमबारी जारी है। चर्निहिव में 500 किलो का बम गिराया गया है। आज रात की रूस के टारगेट पर है यूक्रेन का ओडिशा। आज रात को रूस के टारगेट पर रहेगा यूक्रेन का ओडिशा। तो वहीं यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडिशा पर बड़े हवाई हमलों की तैयारी है। जेलेंस्की ने कहा आज ओडिशा पर बमबारी करेगा रूस। फ्रांस और रूस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत, यूक्रेन युद्ध पर बातचीत जारी। पुतिन और इमैनुअल मैक्रो की बातचीत। पुतिन और इमैनुअल मैक्रो में चौथी बार ये बातचीत। पुतिन और मैक्रो के बीच 105 मिनट हुई ये बात। अब देखना यह होगा कि इस बातचीत के बाद क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आएगा इस पूरी स्थिति पर, क्योंकि लगातार इस तरीके से बातचीत का दौर जारी है, वार्ताओं का दौर जारी है, पर अभी तक ऐसा लग रहा है कि सारी बातचीत विफल होती हुई नजर आ रही है। कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। और अब ऐसे में जब फ्रांस और रूस के राष्ट्रपति के बीच ये बातचीत हुई है, तो ऐसे में यूक्रेन युद्ध पर जो बातचीत जारी है, तो क्या इसका एक्शन होगा, क्या इंपैक्ट आने वाले वक्त में नजर आएगा। तुर्की के राष्ट्रपति से बातचीत में बोले पुतिन, शर्तें मान ले यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध रोके और हमारी शर्तें माने, नरसंहार से बचाने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई जरूरी थी। तो देखिए एक और अहम बातचीत हुई है तुर्की के राष्ट्रपति से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की। उन्होंने इस बातचीत के दौरान कहा कि यूक्रेन को शर्तें मान लेनी चाहिए तो युद्ध खत्म हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध रोके और हमारी शर्तें मान ले, नरसंहार से बचाने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। यूरोपीय देशों पर भड़के हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। नो फ्लाई जोन नहीं बनने पर भड़के हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन को खत्म किया जा रहा है, हम रूस से लड़ रहे हैं, यूक्रेन को बचाएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की भी इस पूरे मसले पर अलग अलग बयान जारी करते हुए नजर आते हैं। अब यूरोपीय देशों पर भी वो भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को खत्म किया जा रहा है, हम रूस से लड़ रहे हैं और यूक्रेन को बचाएंगे। आपको याद होगा उनका वो बयान भी, जब उन्होंने यूक्रेन की जनता से आह्वान किया था कि आप अब हथियार उठा लीजिए, वक्त हो चुका है मातृभूमि के लिए लड़ने का और मातृभूमि के लिए लड़ाई है। ऐसे में लगातार वो आम लोगों को मोटिवेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर उनके ओर से तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। पर इसी बीच इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर यूरोपीय देशों पर भी जेलेंस्की भड़के हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में मिसाइल हमला नाकाम हुआ है। यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को हवा में मार गिराया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में उड़ाया है। तो ये एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट, यूक्रेन की राजधानी कीव में मिसाइल हमला नाकाम हुआ है। यूक्रेन ने रूसी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। अब ये तमाम तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है। अभी तस्वीर जरा देखिए, एक और तो बर्फबारी ने मुश्किलें आम लोगों की बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध किस स्तर पर जारी है वो देखिए। खार्किव में रूसी सेना घुस गई है और यहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है वो आप समझ पा रहे होंगे। और बर्फबारी भी यहाँ पर जारी है, तो ऐसे में ठंड ने भी अपना सितम और ज्यादा बढ़ा दिया है वहां की आम जनता पर, जो घरों को छोड़ने पर मजबूर है युद्ध की स्थिति की वजह से। और दूसरी ओर बर्फबारी का आलम, तो खार्किव में रूसी सेना घुस गई है और उसी की तस्वीरें हैं। जगह जगह रूसी सैनिक यहां पर नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर। बड़े बड़े टैंकर्स भी यहां पर नजर आ रहे हैं, हथियारों से लैस रूसी सैनिक यहां पर नजर आ रहे हैं। तो खार्किव के अंदर रूसी सेना घुस चुकी है। और देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव
और उसके बाद दूसरा बड़ा शहर है खार्किव। तो ऐसे में क्यों पहला टारगेट रहा रूसी सेना का और उसके बाद दूसरा टारगेट खार्किव रहा। तो ऐसे में खार्किव में भी लगातार बमबारी जारी है, वहां पर भी कई इमारतों को ध्वस्त किया गया है, खंडर में तब्दील कर दिया गया है। और ये वो तस्वीरें जो बता रही है कि खार्किव में किस तरीके से रूसी सेना घुसी हुई है। अभी ओडिशा की तस्वीर आप देखिए, ओडिशा में भी तबाही का मंजर देखने को मिला है, जगह जगह मलबा आपको नजर आ रहा होगा। और सोचिए कल तक ये जो जगहें थी वो एक खूबसूरत शहर में नजर आती थी, पर आज यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरीके की हो गई है कि जगह ही जगह जहाँ भी आप नजर डालेंगे अपने चारों ओर तो वहां पर आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा, तबाही के निशान आपको नजर आएंगे। ये कुछ और तस्वीरें जरा देखिए, इरपिन शहर की तस्वीर है जहां पर लाइव हमले की तस्वीर है। लाइव किस तरीके से हमला किया जा रहा है वो आप तस्वीरों में समझ पा रहे होंगे। धुएं का गुब्बार भी यहां पर नजर आया हमले की वजह से, और यही वजह है कि ये तस्वीरें देखकर वहां के आम लोग तो दहशत में है ही, पर पूरी दुनिया दहशत के इस माहौल में जी रही है कि कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। अब क्यों में रूसी सेना का काफिला आप देख पा रहे होंगे, ये वही सड़कें हैं जहां पर इस युद्ध से पहले गाड़ियां चला करती थी, आम लोग आपको नजर आते थे, पर आज ये सड़कें आम लोगों की वजह से नहीं बल्कि इन टैंकर्स की वजह से फुल नजर आ रही है। जगह जगह रूसी सेना नजर आ रही है। अभी एक और तबाही की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, खूबसूरत शहर होस्टेमल खंडर बन गया है, विध्वंसकारी ये तस्वीरें। अब सोचिए यूक्रेन की जनता का क्या हाल होगा जो ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे या जिनके सामने इस तरीके की घटनाएं हुई है, उनका दिल दहला हुआ निश्चित तौर पर होगा, साथ ही दहशत के माहौल में वो नजर आएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, पर उसके बावजूद तबाही का ये मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये एरियल व्यू देखिए आप, हवाई शॉट ये पूरा कि किस तरीके से खूबसूरत शहर मलबे में तब्दील हो गया है, खंडर में तब्दील हो गया है। यहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ करके निकल चुके हैं। ये वो इमारतें हैं जिनको बनाने में वक्त ज़रूर लगा होगा, लोगों की मेहनत और साथ ही मोटा पैसा भी लगा होगा, पर आज इस युद्ध की वजह से ये सब कुछ तबाह हो गया है। तमाम लोगों के सपने भी तबाह हुए हैं इस युद्ध में इन इमारतों के साथ। अभी डोनेट्स की तस्वीर आप देखिए, जहां पर रूस की बमबारी हुई और उसके बाद आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि यहां पर कुछ इतनी खूबसूरत इमारतें थी जो आज इस मलबे के रूप में नजर आ रही है। डोनेट्स में रूस की बमबारी दर्शाती तस्वीरें हैं, जगह जगह आग की वजह से हुए नुकसान की तस्वीरें आपने देखी। अब ये देखिए, रूसी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया, ये वीडियो वायरल किया गया। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि युद्ध के इस दौर में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो अलग अलग दावों के साथ जनता के समक्ष रखी जा रही है, पर पुष्टि अभी फिलहाल कुछ भी तरीके से करना बहुत मुमकिन नहीं हो पाएगा, पर दावे तमाम तरीके के जारी है ताकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी लोगों पर पड़े। अब ये एक और तस्वीर, इरपिन शहर में भारी तबाही का मंजर बताती है तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आग की लपटें भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी और कई इमारतें जो आग की इन लपटों में घिरी हुई। सोचिए जो आप मलबा देख रहे हैं, कचरा सा जो इस वक्त लग रहा है, ये सब मिलकर एक खूबसूरत इमारत यहाँ पर हुआ करते थे, पर आज तबाही किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये कीव की तस्वीर, यहाँ पर भी तबाही का मंजर और ये एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं। सोचिए रंग बिरंगी इमारतें और आज एक ही रंग, काला रंग, जो इमारतों में आग लगी उसकी वजह से और उसके बाद धुएं के आगोश में, लपटों के आगोश में कई इमारतें, अब तबाही का मंजर चारों ओर नजर आ रहा है, दहशत का माहौल हर तरफ नजर आ रहा है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि अब ये युद्ध थमना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि इन इमारतों के साथ, इन घरों के साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके सपने भी चूर चूर हुए हैं। कीव के आसपास के इलाकों की तस्वीर जरा देखिए, यहाँ पर दहशत का माहौल देखा जा रहा है, सड़कें सुनसान जरूर नजर आ रही है।